धन इंडिया। कहते हैं संगीत में ईश्वर होता है और ईश्वर में संगीत, तो फिर इन सुरों की दुनिया में जहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं होती, वहां ऐसा क्या हुआ जो एक मासूम सी लड़की ने आत्महत्या करने जैसा भयानक कदम उठाया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी इतनी अद्भुत, इतनी विचित्र, इतनी अनोखी है जो हमने कभी ना देखी ना सुना। विक्रम गोखले की बेटी माधुरी गोखले की भी फोटो इसी तरह एक दिन जरूर यहाँ लगेगी। पर पापा, इतने रूल है कि हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, सिर्फ संडे को ही घर जाना अलाउड है। मारा नोको अच्छी एकेडमी चला नहीं। तुम तुझे मालूम है ना कि तू सितार कितना अच्छा बजाती है, कितना अच्छा गाती है। ऐसे संगीत भरे माहौल में तू यहाँ रहेगी ना तो तेरा टैलेंट और भी निखर के आएगा। पर पापा, दूसरी भी तो एकेडमी है। मिस्टर गोखले, नमस्ते सर। तो ये है माधुरी जो यहां ज्वाइन करने से हिचकिचा रही है। एक काम करते हैं, तुम चलो मेरे साथ और चलकर पूरी एकेडमी को अपनी आंखों से देख लो, फिर खुद फैसला कर लेना ज्वाइन करना है या नहीं। ठीक है? हाँ बेटा। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं, हम लोग साथ में चल के देखते हैं, उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना आराम से तुमको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हाँ चलो। मिस्टर गोखले, एकेडमी में केवल स्टूडेंट्स और टीचर्स ही जा सकते हैं, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ठीक है सर, मैं यहीं वेट करता हूँ सर। चल यो कर। माधुरी, तुमको एक सीक्रेट बताऊं? तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाबा नर्वस हैं तुम्हें यहां रखकर जाने के लिए। ऊपर से दिखाएंगे नहीं वो, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे ज्यादा घबराए हुए हैं। अभी तक आई नहीं। हाँ बोल अलका। क्या हुआ, मना कर दिया ना उसने? नहीं नहीं, वो मिस्टर मूर्ति के साथ अभी एकेडमी देखने गई है। वो मानने वाली नहीं है विक्रांत, टीम आज ही मुलगी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वैसे उसका स्वभाव ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। अच्छा, जिद्दी है तो मेरी बेटी और टैलेंटेड है तो आपकी। हाँ अच्छा, फोन ठेव, मैं तुला अंतर करता हूँ। क्या सोचा बेटा? बाबा, मैं ये एकेडमी ज्वाइन करने को तैयार हूं। सच? थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपने सब किया कैसे? मिस्टर गोखले, अपने बच्चों को कोई भी चीज दबाव डालकर करने को कहोगे तो वो कभी तैयार नहीं होंगे। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने विद्यालय के बारे में सारे डिटेल्स अपने बच्चों को बताएं और फिर फैसला वो खुद करे। माधुरी ने भी वही किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम नहीं कि आपने हमें कितनी खुशी दी है। इसकी मां सोने की तो खुशी से पागल हो जाएगी। हैप्पी? मिस्टर गोखले, ये संगीत विद्यालय सिर्फ एक म्यूजिक स्कूल नहीं है, एक मंदिर है जिसका प्रभाव केवल एक पवित्र मन ही महसूस कर सकता है।
और माधुरी का मन बहुत पवित्र है, वो इसी जगह के लिए बनी है। जो माधुरी कुछ देर पहले तक इस संगीत विद्यालय में दाखिला लेने से इनकार कर रही थी, उसने सिर्फ 30 मिनट में अपना फैसला बदल दिया। उन 30 मिनट में क्या हुआ कि माधुरी ने अपने मां बाप से अलग रहकर हॉस्टल ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। क्या कहा मूर्ति ने माधुरी से, शायद यह विद्यालय वाकई में इतना अच्छा था, या फिर इस विद्यालय की दीवारों के पीछे छुपे हैं कुछ और राज। माधुरी गोखले, जानती हूं तुम्हारे बारे में, सब कुछ जानती हूं। ये हमारी जन्नत, हमारा स्वर्ग, जहां चारों तरफ सिर्फ आजादी आजादी है। और देखना, एक बार तुम्हें यहाँ की आदत लग जाएगी ना, तो फिर तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा, ना अपने दोस्तों से मिलने का और ना ही अपने माँ बाप से। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं तो हर संडे जाऊँगी अपने आई बाबा से मिलने। मैं मानती हूँ कि एकेडमी बहुत अच्छी है, पर आखिर में तो घर ही जाना है ना। मैं तो एक पल नहीं रह पाती अपने आई बाबा के बिना। देखते हैं। हे दीपिका, एक्सक्यूज मी, हे हाय। हे रॉबिन, हाय, मीट माय फ्रेंड माधुरी। माधुरी, रॉबिन। ओह हाय। हाय। सो न्यू स्टूडेंट राइट? तो तुम भी हमारे साथ मूर्ति सर की स्पेशल क्लास में आ रही हो। स्पेशल क्लास? मूर्ति सर कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास लेते हैं। वैसे तुम अभी तक इतनी स्पेशल बनी नहीं हो, बस थोड़ी सी मेहनत और करोगी ना तो तुम भी स्पेशल बन जाओगी। तब तक तुम ये रेगुलर क्लासेस अटेंड कर लो। राइट, तो चले दीपिका। चल, बाय बाय माधुरी। बाय। देख, मैं कह रही हूं ना तुझसे, जल्द से जल्द अपना कमरा चेंज करवा ले। वो दीपिका तुझे कुछ अजीब सी नहीं लगती है? और वो रॉबिन, जितना उससे और उस दीपिका से दूर रहेगी ना, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। लेकिन प्रेरणा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो दोनों तो कितने अच्छे हैं। इनफैक्ट वो तो मूर्ति सर के खास चुने हुए स्टूडेंट्स में से है ना। अरे हाँ,
लेकिन तुम पागल है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम जल्दी हो हमसे? चल बाय, बाद में। पिंकी रुको ना। प्रेरणा देख, मैं तुझसे कह रही हूँ तो इन लोगों के ना चक्कर में मत पड़ना। ये लोग लूजर्स हैं लूजर्स। ये खुद तो आगे बढ़ते नहीं है और दूसरों को भी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कुछ अजीब सा माहौल था यहाँ और शायद माथुरू को भी इसका एहसास हो रहा था। तुम जानना चाहती हो इस कमरे में क्या होता है? बनना चाहोगी मेरी खास स्टूडेंट? मेरा मतलब नहीं सम। ईश्वर तुम्हारे दिल में है, दिल तुम्हारे शरीर में है। शरीर के त्याग से ही संगीत आजाद हो जाएगा। विश्वास करो, अपने संगीत पर विश्वास करो,
अपनी अंतर आत्मा पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। खो जाओ, समा जाओ मुझ में, अपने संगीत में। यकीन कीजिए, हम भी उतने ही हैरान थे, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जो हमारे देश में हुई है। हाँ, केस अदालत में होने की वजह से विद्यालय और कुछ किरदारों के नाम बदल दिए हैं, बस। हिप्नोटिज्म यानी मोह निद्रा। ये हिप्नोटिज्म एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी कला है जिसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान के मन को अपने वश में कर सकता है। ये विद्या सर दर्द से लेकर मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी अन्य बीमारियों के इलाज के लिए एक सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड हिप्नोथेरेपिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोस, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, बिना बताए किसी व्यक्ति के मन को अपने वश में कर लेते हैं ताकि वो उनका गलत फायदा उठा सके। मूर्ति भी उन्हीं में से एक था जो मासूम कमजोर युवाओं को अपने वश में करके न जाने किस तरह का गुट बनाना चाहता था। मूर्ति साहब से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते साहब। देखो भाई, हमारी बच्ची ने दो हफ्ते से फोन नहीं किया, हम जानना चाहते हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं, बस इतना ही जानना चाहते हैं। उसमें टेंशन नहीं लेने का साहब, इधर ऐसा कभी कभी होता है। मतलब साहब, नया नया स्कूल है, बच्चों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना साहब। माधुरी के माता पिता ने उसके बाद मिलने कई बार माधुरी से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें वापस भेज दिया जाता था ये कहकर कि वो क्लास में है। विक्रांत और अलका बेचैन होने लगे थे क्योंकि ना तो वो अपनी बेटी से मिल पा रहे थे और ना ही उससे फोन पे बात कर पा रहे थे। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एकेडमी के डीन मूर्ति से मिलने का फैसला किया। सॉरी सर, मैंने कितनी बार बोला है आपसे कि आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते भाई, हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं और मिल के जाएंगे यहाँ से। क्या बात है मिस्टर गोखले, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं आप? देखिए मिस्टर मूर्ति, हम अपनी बेटी से मिलना चाह रहे हैं, ये लोग मिलने देते ही नहीं। क्या आप लोग ये नहीं सोच सकते कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी ही बेटी आपसे शायद मिलना ना चाहती? मिलना नहीं चाहती? ये आप क्या कह रहे हैं? मूर्ति की ये बात सुनकर वो हैरान रह गए। उनकी बेटी जो उनके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती, वो अचानक उनसे मिलने से इनकार कैसे कर सकती है? रिश्ते, सारे नाते भूल जाओ और अपने आप को आजाद कर दो सारे बंधनों से, अपने आप को मुक्त कर दो। ये सब
तुम्हारा अतीत है, इसे भुलाना होगा, इसे मिटाना होगा, इसी में तुम्हारी जीत है। माँ बाप भाई बहन ये सब एक भयानक कल था, इसे त्यागना होगा क्योंकि इसी में तुम्हारा अस्तित्व है, इसी में तुम्हारा संगीत है। मूर्ति की इस ताकत को देखकर यह बात तो साफ थी कि वो एक बहुत ही बेहतरीन और काबिल हिप्नोटिस्ट था। इस विद्या का गलत इस्तेमाल करने के पीछे एक ही वजह हो सकती है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। अपने इस मानसिक सनक में वो इन युवाओं की जिंदगियों के साथ खेल रहा था। उठो माधुरी, उठो, उठो माधुरी, उठो, उठो माधुरी। क्या है? ये लो, तुम्हारे आई बाबा का फोन है। तुम्हारा फोन बंद है इसलिए मेरे फोन पे किया। ये लो, बात करो। माँ बाप इसे त्यागना होगा, ये सब तुम्हारा अतीत, इसे भुलाना होगा। बेटा तू अकेली है ना, मैं तेरी आई बात करना चाहती। बेटा मत कीजिए मुझे फोन। नहीं बेटा मेरी बात तो सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? कर रही हो माधुरी? तुम अपने आई बाबा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम ठीक तो? तुम पागल हो गई हो? वो बिल्कुल ठीक है, इतनी ठीक कि तुम और तुम्हारे जैसे बाकी आम लोग ना कभी सोच भी नहीं सकते। तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें उनकी। माधुरी को अब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। माधुरी के माँ बाप लगभग रोज उसे फोन किया करते थे बात करने के लिए, लेकिन माधुरी अपने माँ बाप के साथ बात नहीं करना चाहती, और जब भी एक आध बार बात हो भी जाती तो माधुरी अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरी तरह पेश आती। इसकी वजह यह थी कि हर रात माधुरी बनती थी मूर्ति के हिप्नोटिज्म का शिकार। अब माधुरी के माँ बाप का शक यकीन में बदल गया कि उनकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है, और उन्होंने शुरू किया अपना फाइट बैक। दरअसल आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आप लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है और अपने फैसले खुद ले सकती है। मैं अपनी बेटी से एक बार सिर्फ मिलना चाहता हूं। ओ माधुरी, 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 बेटा कुछ तो बोलना। बेटा क्या हो गया तुझे? कुछ तो बोल। देख इतनी आई हो, क्या हुआ? कुछ तो बोल माधुरी। कैसे लगा बाबू? बाबू से बात कर। क्या हो गया बेटा? कैसा लगा बेटा? बाबू की तरफ दूर रहिए मुझसे। क्या हो गया बेटा?
क्यों कर रही तू? क्या हो गया तुझे? देख पापा की तरफ। चले जाओ यहाँ से। बेटा, तेरी आई हूँ बेटा। आई? मेरे कहने जाओ। जी क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई इस तरह टॉर्चर करता है क्या अपनी बेटी को? Just leave her alone. क्या हाल बनाया तूने मेरी बच्ची का? क्या हाल बनाया मेरी बच्ची का तूने? क्या हाल बनाया तूने? मिस्टर गोखले, 120 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस एकेडमी में, जिनमें से लगभग सभी हर हफ्ते अपने घर जाते हैं। अब अगर माधुरी नहीं जाना चाहती तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। बकवास कर रही है इंस्पेक्टर, बकवास कर रहा है। मैं अपनी बच्ची को एक मिनट भी याद रखना नहीं चाहता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपने भीतर झांक कर देखिए मिस्टर गोखले, आपके ऐसे भड़कीले व्यवहार के कारण शायद आपकी बेटी डरती है आपसे। इंस्पेक्टर साहब, आप इनके घर जाकर तहकीकात कीजिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया है अपनी बेटी के साथ जो वो इनसे दूर रहना चाहती है। छोड़ो मनी मूर्ति, तुझे छोड़ो मनी। गोखले चलो क्या? वो दूर रहना नहीं चाहती इंस्पेक्टर, उसे दूर रखा जा रहा है। अरे हमारी बेटी के बारे में हमसे ज्यादा क्या वो मूर्ति जानता है? ए बगा, हम इलीगली एक्शन नहीं घेऊ शकत। एकेडमी में हमने पूछताछ किया, आप लोगों के सिवा और किसी का कंप्लेंट नहीं है वहाँ। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हम झूठ बोल रहे हैं? देखा नहीं आपने वो किस तरह से बिहेव कर रही थी हमारे साथ? अरे होता है उम्र में प्रॉब्लम बच्चे लोगों को, कोई तकलीफ नहीं होती इंस्पेक्टर, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छी खासी है वो, मैं उसका बाप हूँ, उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ये बात आपको प्रूफ कर दूंगा, उस मूर्ति ने उसको अपने वश में किया है। बगा मिस्टर गोखले, आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए मिस्टर गोखले, हम लीगली एक्शन नहीं ले सकते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। नफरत करो सबसे, करो सब सिर्फ मुझसे प्यार करो। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें उनकी, और ना ही तुम्हें उनकी, ना ही तुम्हें उनकी। माधुरी, तुम्हें जो तस्वीरें लाने को कहा था वो लाई? माधुरी, तुम्हारी मुक्ति का वक्त आ गया है, वक्त आ गया है आजाद होने का, सारे बंधनों से। इसने तुम्हें अपनी गिरफ्त में कैद करके रखा हुआ था, वक्त आ गया है माधुरी। आजादी मुक्ति।
आजादी मुक्ति, आजादी मुक्ति, आजादी मुक्ति, आजादी। विक्रांत और अलका की रातों की नींद हराम हो गई थी। वो किसी भी तरह इस मामले के जड़ तक पहुंचना चाहते थे और इसी मकसद से उन्होंने मूर्ति के बारे में और उसके इस म्यूजिक एकेडमी के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। आओ, कैसा लग? कहे नहीं तू सो। इंटरनेट से उन्हें पता चला कि मूर्ति एक ट्रेंड हिप्नोटिस्ट था। अब उनका शक यकीन में बदल गया। मैंने उससे शादी इसलिए की क्योंकि मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक था, लेकिन आपके और हमारे लिए जो म्यूजिक होता है वो उनके लिए कुछ और ही था। यकीन मानो, उनसे डिवोर्स लेना आसान नहीं था क्योंकि जब भी मैंने उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। फिर मुझे पता चला कि वो एक हिप्नोटिस्ट है और इसी वजह से वो मुझ पर हावी रहते थे। लेकिन ये सब वो करता कैसे था? अपने संगीत से। What? संगीत से? हाँ, पहले तो ये सब एक हॉबी के तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि उन्हें लोगों को वश में करना अच्छा लगने लगा है। तब मैंने सोच लिया कि अब इनके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, इनसे दूर होना ही बेहतर होगा। सर, ये उस लड़की गीता का एड्रेस है जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। थैंक यू सो मच बेटा। मेरी पोती लंदन से यहाँ म्यूजिक सीखने आई थी। मैंने इसके बाप से लड़ करके जबरदस्ती इसको बुलाया था, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि वो इतनी दिनों से घर क्यों नहीं आ रही है। वो हमसे बात करती तो हमें पता चलता ना कि इसकी वजह क्या है। उसने तो कई महीनों से हमसे फोन पर भी ठीक से बात नहीं की है। और आप देखती रहीं अपनी बेटी को अपने से दूर जाते हुए। आपको अंदाजा है, आपको मालूम है उसके साथ वहां पर क्या हो रहा है? ये देखिए, देखिए इसे, उसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, ये मूर्ति हमारे बच्चों को हिप्नोटाइज कर रहा है, उनको अपने वश में कर रहा है। अरे कैसा मुमकिन है, शक्य नहीं। आप जो कह रहे हैं भला कोई क्यों मानेगा? हिप्नोटिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं? सांगा, हिप्नोटिज्म एक साइंटिफिक टेक्निक है इंस्पेक्टर। बहुत सारे सर्टिफाइड डॉक्टर्स इस टेक्निक को जायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको उसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह आप एक जाली सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर्स के साथ करते हैं। ठीक है, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मूर्ति के म्यूजिक एकेडमी के खिलाफ सर्च वारंट निकलवाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। हम लोग सच कह रहे हैं सर, माधुरी के बाबा। क्या बोले मेरी बच्ची का तूने? क्या बोला? माधुरी, अब वक्त आ गया है अपनी वफादारी सिद्ध करने का। तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि तुम्हें किससे ज्यादा प्रेम है, अपने संगीत से या अपने माता पिता से।
माधुरी, मेरा बच्चा, कहाँ था मेरा बच्चा? कहाँ था मेरा बच्चा? अलका, माधुरी, ये बोल क्या रही है? अलका, कहाँ है जाना तूला? कहाँ है तेरी बोल ले माधुरी? मतलब कहाँ है जाना तूला? इसको इसको अंदर ले चल दे, अंदर चल दे। माधुरी तो नहीं बोलना बेटा, पापा से बात करो बेटा। देखना तेरे आई बाबा तेरे पास है, काहे तो नहीं बोलना बेटा, काहे तो नहीं बोल, अपने आई से बात कर। अलका एक काम करते हैं, कल माधुरी को किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ, अगर उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है तो न जाने उस एकेडमी में और कितने बच्चे होंगे जिनको इसने हिप्नोटाइज किया होगा। ये मूर्ति को उसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे घोड़े टिक टिक टिक। मम्मी पापा मुझे खोजो, मैं कहाँ हूँ? हैप्पी ए पकड़ लिया। माधुरी बेटा प्लीज खा लो थोड़ा, अगर खा लोगी तो मोटी नहीं हो जाओगी। सुन सुन
डॉक्टर साहब, ये मामला हिप्नोटिज्म का नहीं है। एक टीचर का अपने स्टूडेंट को वश में करने का भी नहीं है। ये मामला है पागलपन का, एक इंसान के वशीपन का, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। अगर मूर्ति को गिरफ्तार करना है तो आपकी बेटी की गवाही की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बेहतर वही ही होगा कि माधुरी से कोई भी कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बहुत नाजुक है। मेरी राय में आप माधुरी का इलाज किसी हिप्नोटिस्ट से करवाइए। हम ये खुलासा करना चाहते हैं कि हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी ये काली विद्या नहीं है, ये एक साइंस है, एक कला है। ये हमारे देश में ऐसे कई सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जिनके पास अपना इलाज करवाने स्पोर्ट्समैन से लेकर बिजनेसमैन तक जाते हैं। माधुरी का इलाज भी ऐसे ही एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट के पास से करवाया गया। इस सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के इस इलाज से यह पता लगाने की कोशिश की गई कि उस संगीत विद्यालय में क्या क्या हो रहा था और क्यों। डॉक्टर्स कुछ हद तक कामयाबी हुए माधुरी के मन से कुछ राज उगलवा लेने। बनना चाहोगी मेरी, बनना चाहोगी मेरी खास खास खास। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। विश्वास खो जाओ, जाओ समा जाओ, समा जाओ मुझ में, क्योंकि मैं ही संगीत ही मैं। मूर्ति सर हमारे भगवान है, वही हम में है और वही हमारे संगीत में। उनके बिना ना हम हैं ना हमारा संगीत। ईश्वर हूं मैं ही, तुम हो नहीं, तुम्हारा संगीत हूं। ये सर मूर्ति, आपको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे गुरु हैं। अपने आप को तू रक्षक कहता है ना, हाँ? भक्षक है तू, भक्षक। माधुरी और उसके जैसे इस म्यूजिक एकेडमी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बयान से अदालत ने मूर्ति को दोषी मानते हुए उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाया और उसे पागलखाने में भर्ती करवाने का हुक्म दिया। जिस हिप्नोटिज्म के गलत उपयोग से माधुरी ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी, उसी हिप्नोटिज्म के सही इस्तेमाल ने माधुरी को उसी स्थिति से बाहर निकालने में भी मदद की। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आजकल मेडिकल साइंस में भी हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज करने में भी किया जाता है। हिप्नोटिज्म का गलत इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, लेकिन अफसोस ऐसे करने वाले लोग होते हैं और हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, जैसे मिस्टर गोखले ने किया। उन्होंने अपनी बेटी के बदले बदले व्यवहार को देखकर तुरंत भाप लिया कि जरूर इसके पीछे कोई खतरनाक राज छिपा है। उनकी सतर्कता और हिम्मत की वजह से माधुरी और माधुरी जैसे कई स्टूडेंट्स मूर्ति जैसे इंसान की चुंगल से आजाद हो गए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूं, कल दोबारा उपस्थित होंगे ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया
इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।